हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में सुकरात नामक लेसन के पैसेज नंबर सेकंड के क्वेश्चन और आंसर को स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने सुकरात नामक लेसन के फर्स्ट पैसेज के क्वेश्चन और आंसर को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। इस वाले में हम लोग इस लेसन के पैसेज नंबर सेकंड उसके क्वेश्चन और आंसर को स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ ये पैसेज है, बट ऑल दो मैनी पीपल से लेकर भी डाउट तक। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोग बुक में देखेंगे कि यह पैसेज कहाँ है, इसके हिंदी अर्थ को समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन को और उसके आंसर को स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, यह पैसेज बट ऑल दो से लेकर देयर माइंड्स विद डाउट तक है। तो आइए सबसे पहले हम इसके हिंदी अर्थ को समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, यार कि बट ऑल दो मैनी पीपुल लव द ओल्ड मैन एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम। ये कह रहा है कि बट ऑल दो मीन्स होता है यद्यपि। कह रहा है कि यद्यपि मैनी पीपुल, बहुत सारे लोग लव द ओल्ड मैन, वृद्ध व्यक्ति से प्रेम करते थे, वृद्ध व्यक्ति मतलब सुकरात से प्रेम करते थे, एंड डिलाइटेड और आनंदित होते थे इन हिज विजडम, उसकी बुद्धिमता से। बुद्धिमता मतलब विजडम मीन्स बुद्धिमता होती है, बुद्धिमता मतलब उसकी बुद्धिमानीपूर्ण बातों से आनंदित होते थे। देर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम। अप्रूव का मतलब होता है सहमत होना। इसमें कह रहा है कि देर वर सम, कुछ लोग थे हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उससे सहमत नहीं थे। कुछ लोग थे जो सुकरात से सहमत नहीं थे। ही टॉट, उसने सिखाया दैट कि मैंस ओन माइंड, कि मनुष्य का अपना मस्तिष्क इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट। कह रहा है कि इन्फ्लुएंस्ड प्रभावित करता है हिज कंडक्ट, उनके व्यवहार को, मोर देन द गॉड्स, भगवान से ज्यादा। कह रहा है कि ही टॉट दैट, उसने सिखाया कि मैंस ओन माइंड, मनुष्य का अपना मस्तिष्क इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट, उसके व्यवहार को प्रभावित करता है, मोर देन द गॉड्स, देवताओं से ज्यादा। दिस सिम्ड टू सम पीपुल अ न्यू एंड विक्ट आइडिया। कह रहा है कि दिस, यह बात सिम्ड टू सम पीपुल, सिम्ड का मतलब होता है प्रतीत होना। कह रहा है कि कुछ लोगों को प्रतीत हुई, क्या प्रतीत हुई, अ न्यू, एक नया एंड विक्ट आइडिया, और दूषितापूर्ण विचार। उसका कहने मतलब है कि यह बात जो है कुछ लोगों को एक नया और दूषितापूर्ण विचार लगा। He said that, उसने कहा कि there were higher and nobler deeds, उसने कहा कि there were higher means high का यहाँ पर कम्पिटेटिव डिग्री है, और नोबल का कम्पिटेटिव नोबलर है। तो उसने कहा कि there were higher and nobler deeds, deeds का मतलब कार्य। कह रहा कि और भी higher, ऊंचे and nobler, और श्रेष्ठ कार्य हैं than, अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, making sacrifice to Athens। कह रहा है कि एथेंस के देवता को एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, और ग्रीस के दूसरे देवताओं को सेक्रीफाइस करने के पीछा। उसने कहा सेक्रीफाइस मतलब बलिदान देने के पीछा या बलि देने के पीछा। उसने कहा कि एथेंस के देवता को और ग्रीस के दूसरे देवी देवताओं को बलि देने के पीछा और भी अधिक उच्च और श्रेष्ठ कार्य है। एंड मैनी पीपुल थॉट, करें मैनी पीपुल थॉट, बहुत सारे लोगों ने सोचा दैट की He was leading the young astray. Leading astray का मतलब होता है पथभ्रष्ट करना। Leading astray का मतलब पथभ्रष्ट करना, और young का मतलब युवा। कह रहा है कि and many people thought, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि he was leading the young astray, कि वह जो है जो young लोग हैं, मतलब जो युवा लोग हैं, उनको क्या कर रहा है, leading astray मतलब पथभ्रष्ट कर रहा है, उनको जो है गलत दिशा में ले जा रहा है। Questioning all, कह रहा है कि उन सभी चीजों पर प्रश्न कर रहा है that They had been taught to believe, जे कह रहा है जिस पर उनको विश्वास करना सिखाया गया था। उन सभी चीजों पर वह प्रश्न कर रहा है जिस पर उनको विश्वास करना बताया गया था। And filling their minds with doubt, कह रहा है कि और उनके मस्तिष्क को जो है संदेह से भर रहा है। ये रहा फ्रेंड्स इसका हिंदी अर्थ। अब आइए इसके क्वेश्चन और आंसर को भी देखते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन। कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द लेसन, लेसन का नाम लिखिए, फ्रॉम विच, जिससे द अबव नोटेड पैसेज, जिसे ऊपर का ये पैसेज जो हैज बीन टेकन, लिया गया है, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन, इस लेसन का ऑथर कौन था, मतलब इस लेसन का लेखक कौन है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन मैंने पहले पैसेज में भी बताया था, इस वाले भी पैसेज में बता दे रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए। देखिए इस तरह लिखेंगे कि दिस पैसेज हैज बीन टेकन
यह पैसेज लिया गया है फ्रॉम द लेसन सुकरात नामक लेसन से रिटन बाई रोधा पावर, जो कि रोधा पावर के द्वारा लिखा गया है। अब आइए इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड को स्टडी करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि व्हाई डिड सम पीपल नॉट लाइक सुकरात, कि क्यों कुछ लोग सुकरात को पसंद नहीं करते थे। इसमें पूछ रहा है कि क्यों कुछ लोग सुकरात को पसंद नहीं करते थे, तो आइए इसका आंसर देखते हैं। करा कि सुकरात टॉट, सुकरात ने सिखाया दैट की मैंस ओन माइंड, कि मनुष्य का अपना मस्तिष्क इन्फ्लुएंस्ड हिज कंडक्ट, उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंस माने प्रभावित करना, कंडक्ट व्यवहार, उनके व्यवहार को प्रभावित करता है मोर देन द गॉड्स, देवताओं से ज्यादा। सुकरात ने अपने लोगों से बताया उनका अपना मस्तिष्क देवताओं से ज्यादा उनको प्रभावित करता है, उनके व्यवहार को प्रभावित करता है। दिस सिम्ड टू सम पीपल अ न्यू एंड विक्ट आइडिया, यह कुछ लोगों को एक नया और दुष्टतापूर्ण विचार लगा। विक्ट आइडिया मतलब दुष्टतापूर्ण विचार। सो दे डिड नॉट लाइक सुकरात, कह रहा कि इसलिए दे डिड नॉट लाइक सुकरात, वे सुकरात को पसंद नहीं करते थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। पूछ रहा है कि व्हाई डिड मैनी पीपल लव सुकरात, कहा कि क्यों बहुत सारे लोग सुकरात से प्रेम करते थे, तो इसका आंसर है कि मैनी पीपल लव सुकरात, बहुत सारे लोग सुकरात से प्रेम करते थे बिकॉज, क्योंकि दे टुक डिलाइट, क्योंकि वे आनंद प्राप्त करते थे इन हिज विजडम, उसकी बुद्धिमता में, मतलब उसकी बुद्धिमता से। क्योंकि लोग जो है, मैनी पीपल लव सुकरात, बहुत सारे लोग सुकरात को पसंद करते थे या सुकरात से प्रेम करते थे बिकॉज, क्योंकि दे टुक डिलाइट इन हिज विजडम, क्योंकि वे उसकी बुद्धिमता का आनंद लेते थे, अर्थात उसकी बुद्धिमानीपूर्ण बातों का आनंद लेते थे, उनको आनंद आता था उसकी बुद्धिमानीपूर्ण बातों को सुनकर। अब एक क्वेश्चन फोर देखते हैं। पूछा है कि व्हाट आइडिया ऑफ सुकरात सीम टू सम पीपल न्यू एंड विक्ट, कह रहा है कि व्हाट आइडिया ऑफ सुकरात, सुकरात का कौन सा आइडिया सीम टू सम पीपल न्यू एंड विक्ट, कुछ लोगों को नया और दुष्टापूर्ण लगा। ये क्वेश्चन नंबर जो सेकंड था वही सेम क्वेश्चन में भी, इसका आंसर जो सेम इसमें भी लिखा जाएगा। इसमें कह रहा है कि सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा कि देयर ओन माइंड, उनका अपना मस्तिष्क इन्फ्लुएंस्ड, यहाँ डी रहेगा, इन्फ्लुएंस्ड देयर ओन माइंड, उनके अपने मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सॉरी फिर से देखिए, सुकरात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुकरात ने अपने देशवासियों से कहा कि देयर ओन माइंड, उनका अपना मस्तिष्क इन्फ्लुएंस्ड देयर कंडक्ट, उनके व्यवहार को प्रभावित करता है मोर देन गॉड्स, देवताओं से ज्यादा। ओनली कह रहा है कि ओनली दिस आइडिया, केवल यही विचार सीम टू सम पीपल न्यू एंड विक, कुछ लोगों को नया और दुष्टतापूर्ण लगा। अब आइए इससे क्वेश्चन नंबर फाइव को स्टडी करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फाइव दिया गया है कि पिक आउट द वर्ड्स इन द पैसेज विच मीन द सेम एज, कह रहा है कि पिक आउट द वर्ड्स, यहाँ पे वर्ड्स रहेगा, कह रहा है कि पिक आउट द वर्ड्स इन द पैसेज, पैसेज से उन शब्दों को खोजिए विच मीन द सेम एज, जिसका मतलब ये है। जैसे इन ए रॉन्ग डायरेक्शन का क्या मतलब है और सस्पिशन का क्या मतलब है, तो पैसेज में से उन्हीं शब्दों को खोजना है जिसका ये मतलब है। तो इन ए रॉन्ग डायरेक्शन मतलब होता है गलत दिशा में, और सस्पिशन में संदेह होता है। तो ऐसे दो वर्ड खोजने या इसके पर्यायवाची खोजने हैं। देखिए, इन ए रॉन्ग डायरेक्शन मीन्स एस्ट्रे, वहां पर आप पढ़ेंगे तो वहां एस्ट्रे पैसेज में होगा। कह रहा है कि इन ए रॉन्ग डायरेक्शन मतलब गलत दिशा में, इसका मतलब है ऐसे, मतलब पथभ्रष्ट करना, एस्ट्रे मतलब पथभ्रष्ट करना। दूसरा सस्पिशन, इसमें संदेह होता है, तो इससे लिखेंगे कि सस्पिशन मीन्स डाउट, डाउट मीन्स संदेह। तो फ्रेंड्स, ये रहा पैसेज नंबर सेकंड, इसका क्वेश्चन और आंसर मैंने आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा फ्रेंड्स। और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।